नमस्कार मित्रांनो, विदर्भ सम्राट न्यूज चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण आलो आहे मनोहर चौक येथे। तुम्ही बघू शकता की प्रतिबंध कोरोनामध्ये खूप लागले होते, त्यामध्ये मूर्तीची जी उंची आहे ते पण कमी करण्यात आली, पण मात्र लोकांची श्रद्धा काही कमी झाली नाही आहे। बघू शकता इतकी आकर्षक मूर्ती इकडे मांडली गेली आहे आणि असं वाटते मन विभोर करणारी आहे आणि असं वाटते की नवरात्री हे उत्सव वर्षभर चालत राहो। लोकांची जी गर्दी आहे गोंदिया शहरात एक अविश्वसनीय आहे। क्या बताएंगे आप, कितने सालों से मतलब ये उत्सव मनाया गया है? मनोहर चौक शारदा उत्सव जो है ये 23 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे अध्यक्ष माननीय रोशन जी जायसवाल है, उनके उससे उसके सहयोग से कार्यक्रम होता है और मनोहर चौक शारदा उत्सव अनेक वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहा है। इस वर्ष कोविड नियमों के चलते 2 साल से कार्यक्रम को छोटा गया, कानूनी जो नियमों का पालन करते हुए उसको हम ये कर रहे हैं। फिर भी कम जगह में बहुत आकर्षक मूर्ति का स्थापना की है। हर साल में जो एक प्रसिद्ध रहता है मनोहर चौक दुर्गा जी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, सरस्वती जी देखने दूर दूर से लोग आते हैं, जिस टाइप से मतलब लोगों का भावना है, आप क्या बोलेंगे इतने साल से? उसके लिए ये ही कहूँगा कि उनके मन में स्वस्थ मन निर्मल विचार जो है और माता जी के प्रति जो उनकी भक्ति और श्रद्धा और विश्वास है, ये उसका वो जिस स्वरूप में देखते हैं उस स्वरूप में माता जी उनको दिखती है। माता जी तो हमेशा ही अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, बस वही है, वही सुंदरता निखर के आती, क्योंकि स्वस्थ मन निर्मल सोच जो होती है वही ज़्यादा आकर्षण पैदा करता है किसी भी व्यक्ति के। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तुम्ही बघू शकता की ज्याप्रमाणे लोकांचं स्वस्थ मन असलं तर स्वस्थ विचार असतात, त्याचप्रमाणे जे माताजी आहेत त्यांचं जे म्हणजे रूप आहेत अविश्वसनीय आहे आणि छोटा आकार म्हणजे छोटा उंची जरी कमी असली तरी एक आकर्षक रूप मिळालेलं आहे। मनोहर चौकची जी सरस्वती माता आहे त्याला बघायला दुरून दुरून लोक यायचे आणि आता पण येत आहे। तुम्ही बघू शकता इतके सारे श्रद्धाळू इकडे आहेत आणि एक आगळं वेगळं प्रतीक गोंदिया शहराला मिळालेलं आहे, एक श्रद्धाचं स्थान दिलेलं आहे। आपण आणखी दाखवू गोंदिया शहरातले बाकी दुर्गा